मुझे याद है उसका ही सजा दे रहा है कुकाए सिगा साहब। मैं जब पहले बार एमएलए बना और पहले बार जब मंत्री बना, मेरा फर्स्ट विजिट दापरिजू में था। कोई एक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट था वहाँ, हाँ पोपक बागे मेमोरियल में। तो मैं तो ऐसे छोटा मोटा, मैंने उम्र से भी कम, उस समय भी कम था, अभी भी मैं यंगेस्ट हूँ मिनिस्ट्री में, कद से भी कम, हैसियत से भी कम। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरा पीएसओ को वो माला पहना दिया वहाँ पब्लिक लोगों ने, क्योंकि हम तो दुबला पतला था, टी शर्ट पहन के गया। मेरा पीएसओ एक आधी लड़का था, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत सुंदर लड़का था सफेद करके, वो भाग के घूम रहा है सर इधर है, नहीं पूरा पीछा करके औरत लोग उसी को पहना दिया। तो वहाँ एक ह्यूमिलेशन हुआ। शाम को फिर पूरा विजिट किया, प्रोग्राम हुआ, फिर ऐसे फंक्शंस हुआ वहाँ में। वहाँ में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत ट्रेजिक था, तो मैं स्टूडेंट लाइफ से कॉलेज लाइफ में फूटी फाटी खेल कूद कभी किया ही नहीं था। खेलना कूदना और ये गाना बजाना बिल्कुल मेरे को नहीं आता था, मैं भागता था। जब तक मैं स्टूडेंट था, पूरा स्टूडेंट लाइफ में जनरल सेक्रेटरी भी था लेकिन ऑर्गेनाइज करता हूँ, लेकिन जब फंक्शन होता मैं छिप के बैठ जाता हूँ। कॉलेज में भी तीनों साल मैं जनरल सेक्रेटरी था तेजू में, लेकिन जब गाना रिक्वेस्ट होता मैं भाग, मैंने छिप के बैठता हूँ। तो कभी गाना नहीं गाया, कभी खेल कूद भी नहीं किया, तो छिप जाता हूँ। लेकिन जब एमएलए मिनिस्टर बना तो छिपने का जगह ही नहीं, आगे बैठना पड़ता है। तो वहाँ मैं गाना प्रपोज किया डाबरीजो में, शाम को जब खाना का जब पार्टी हो रहा था, भागने नहीं सका, मेरा पूरा पसीना पसीना हो गया, लाल पीला हो गया। तो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाया। तभी लीडर लोग का काम ही ऐसा है कि कुछ भी काम, कोई भी पब्लिक बोलता है नहीं कर सकता है, हम नहीं बोल सकते, कोशिश करना होता है। जैसे अभी बारिश हो रहा है, पब्लिक बोलेगा बारिश को सुखा दो, हम जानते हैं नहीं भी सूखेगा, फिर भी हम लिखना पड़ेगा प्लीज बारिश रुक जाओ, ये मेरा काम है। लेकिन एक और बात है कि हम जो भी करते हैं, जो लीडर्स के लिए जो भी करता है तो वैसे बहुत काम करता है, लोगों को मदद करता है, सेवा करता है, डेवलपमेंट करता है, लेकिन जब गाली देने का बारी होता है लीडर ही है। खाओ तो भी गाली देता है, बात करो भी गाली देता है, गाना गाओ भी गाली देता है, खेलो भी गाली देता है, आप लोग बुलाता भी है फिर आप लोग बदनाम भी करेगा। देखो एक मंत्री आया था कोई शादी पार्टी में, वो तो गाना उना फूटी फाटी करके गया, इनका कोई काम ही नहीं, ये लोग तो गाना बजाना करके फूटी फाटी करते हैं, ऐसा भी आप लोग बात बनाता है तो फिर डर भी लगता है। तो जो भी हो, अभी बुलाया है तो ये तो नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन अवेलेबल है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो मैं कोशिश करूँगा। ताल साल मेरे को मालूम नहीं है, मैं अपने तरीका से गाऊँगा। वैसे तो मैं नया गाना, आजकल का जो नया गाना फूटी फाटी, वो भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, लेकिन अभी महफिल ऐसा है हम नहीं गा सकते, इसलिए बीच का मैं पुराना गाना गाऊँगा जो ऑडियंस से मैंने थोड़ा सा ये हो, मिल हो। नंबर मैं पेश करूँगा, मेरे को कोर्स और इनका कोर्ट मालूम नहीं है, ये पूछ रहा है क्या कोर्ट में गाएंगे। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा
मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हंसे ना हो जाए नसीले मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है रात नसीले मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है आए शराबी मौसम बेकाई रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए दूर ही रहना